200 वर्षों की लूटपाट का मुआवजा दे ब्रिटेन। कांग्रेस सांसद और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उप महासचिव शशि थरूर ने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में यादगार भाषण दिया था। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर हम यहाँ उसके मुख्य अंश पेश कर रहे हैं। ऑक्सफर्ड यूनियन की ओर से 28 मई 2015 को आयोजित कार्यक्रम में बहस का विषय था, ये सदन मानता है कि ब्रिटेन को अपने पूर्व उपनिवेशों को मुआवजा देना चाहिए। ब्रिटेन और अमेरिका के वक्ताओं ने इसके खिलाफ दलीलें पेश की, लेकिन शशि थरूर ने अपने धारदार तर्कों से उन्हें लाजवाब कर दिया था। थरूर ने अपने भाषण की शुरुआत में सर रिचर्ड ओटावे को निशाने पर लिया और कहा कि ओटावे तो ये मानने तक को तैयार नहीं है कि ब्रिटेन की उपनिवेशवादी नीतियों के चलते उपनिवेशों की आर्थिक हालत बदतर होती गई। थरूर ने कहा था, सर रिचर्ड मैं आपको भारत का उदाहरण देता हूँ। ब्रिटेन के कदम जब भारत में पड़े उस वक्त दुनिया की इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 23% थी। जब ब्रिटिश भारत से गए तब ये हिस्सेदारी 4% से नीचे रह गई थी। क्यों? इसकी वजह ये थी कि भारत पर शासन ब्रिटेन के फायदे के लिए किया जा रहा था। 200 वर्षों तक ब्रिटेन ने भारत में लूटपाट की और उसी पैसे से ब्रिटेन तरक्की करता रहा। असल में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का आधार ही भारत के उद्योग धंधों की बर्बादी पर टिका था। मसलन बुनकर दुनिया भर में मशहूर थे, उनके बनाए कपड़े पूरी दुनिया में भेजे जा रहे थे, वे बेहतरीन मलमल बना रहे थे। तभी ब्रिटेन वहां पहुंचा, उसने उनके अंगूठे तोड़ दिए, उनके करघे नष्ट कर दिए, उनके बनाए कपड़ों पर टैक्स लगा दिया। ब्रिटेन भारत से कच्चा माल ले जाने लगा और उसने दुनिया भर के बाजारों में अपनी मिलों में बना कपड़ा भेजना शुरू कर दिया। इस तरह भारत के बुनकर भिखारी बन गए और जो भारत दुनिया में तैयार कपड़ों के निर्यातक के रूप में मशहूर था वो इसका आयातक बन गया। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 27% से घटकर 2% से भी कम रह गई। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव जैसे उपनिवेशवादियों ने भारत में लूटपाट से हासिल रकम के जरिए इंग्लैंड में उपनगर खरीद ली। हिंदी शब्द लूट ब्रिटानियों की डिक्शनरी और उनकी आदतों में शुमार हो गया और ब्रिटेन के लोगों की बेशर्मी देखिए कि वे उसे क्लाइव ऑफ इंडिया कहने लगे, जैसे कि वो भारत का था। उसकी हरकतें तो ऐसी थीं कि पूरा भारत उसका था। 19वीं सदी खत्म होते होते भारत ब्रिटेन के लिए पैसे का सबसे बड़ा जरिया बन चुका था। भारत ब्रिटेन के सामान और निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका था। भारत ब्रिटेन के सिविल सर्वेंट्स के लिए भारी भरकम वेतन वाली नौकरी का ठिकाना बन चुका था। इस तरह से हमारा पैसा जा रहा था और हमारा ही शोषण हो रहा था। ब्रिटेन की हरकतों से जो अकाल पड़े उसके चलते फैली भुखमरी से 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक भारतीयों की मौत हो गई। सबसे कुख्यात उदाहरण बंगाल के अकाल का है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पड़ा। तब 40 लाख लोग मारे गए क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने लिखित नीति के तहत जानबूझकर जरूरी चीजों की सप्लाई बंगाल में आम लोगों के बजाय यूरोप की ओर मोड़ दी ताकि उनका भंडार बनाया जा सके। चर्चिल का कहना था कि बंगाली भुखमरी के शिकार हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का जी नहीं माना तो उन्होंने चर्चिल को लेटर लिखा कि इस फैसले के चलते लोग मर रहे हैं। तब चर्चिल ने खींचकर फाइल के हाशिए पर लिखा, तो गांधी अब तक क्यों नहीं मरा। दरअसल उपनिवेश के दौर की हकीकत थी हिंसा और नस्ल भेद। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता था, क्योंकि अंधेरे में तो भगवान भी अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। पहले वक्ता मिस्टर ली ने कहा था कि इन चीजों को आंकड़ों में पेश नहीं किया जा सकता। मैं पहले विश्व युद्ध का बहुत ठोस उदाहरण दे रहा हूं और जाहिर है कि भारत के नजरिए से दे रहा हूं, क्योंकि दूसरे लोगों ने दूसरे देशों के लिहाज से बात की है। उस युद्ध में जो ब्रिटिश फौज लड़ी थी उसका हर छठा सैनिक भारतीय था। उस वॉर में 54,000 भारतीयों की जान गई, 65,000 घायल हुए और 4,000 का या तो पता नहीं चल पाया या वे जेलों में डाल दिए गए। भारतीय करदाताओं को उस वक्त के पैसों में 10 करोड़ पौंड देने पड़े थे। भारत ने 1,70,00,000 राउंड गोलियां, 60,000 राइफलें और मशीन गन सप्लाई की। 4,20,00,000 कपड़े भारत में तैयार किए गए और यहां से भेजे गए। 13,00,000 भारतीयों ने इस युद्ध में अपनी सेवाएं दी थी। इतना ही नहीं, भारत को 1,73,000 जानवर सप्लाई करने पड़े, 37 करोड़ टन खाने पीने की चीजें भी भेजनी पड़ी। उस वक्त मंदी, गरीबी और भूख की समस्या से जूझ रहे भारत से जो कुछ ले जाया गया उसकी कुल वैल्यू आज के लिहाज से 8 अरब पौंड होती है। आपको आंकड़े नहीं मिल रहे थे, ये रहे आंकड़े। दूसरे विश्व युद्ध में तो और भी बुरा हाल रहा। 25,00,000 भारतीय अंग्रेजों की ओर से लड़े। 1945 में उस वक्त के पैसे में ब्रिटेन पर युद्ध से जुड़ा कुल कर्ज 3 अरब पौंड का था। इसमें से 1 अरब 25 करोड़ पौंड भारत के थे जो भारत को कभी लौटाए नहीं गए।
किसी ने स्कॉटलैंड का जिक्र किया था। हकीकत यह है कि उपनिवेशवाद ने ही स्कॉटलैंड से अपना नाता मजबूत बनाया। स्कॉटिश लोगों ने तो दरअसल 1707 के पहले इन उपनिवेशों को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। फिर मिल गया भारत और वहाँ आपको स्कॉटिश लोगों को भरपूर रोजगार देने के मौके मिल गए। आपने उन्हें सैनिक, व्यापारी, एजेंट और कर्मचारी के रूप में रखा। भारत से उन्हें जो कमाई हुई उससे स्कॉटलैंड में खुशहाली आई। उसी के चलते स्कॉटलैंड गरीबी से उबर गया। अब चूंकि भारत आपके पास नहीं है तो स्कॉटिश लोगों से आपकी वो बॉन्डिंग ढीली पड़ रही है। किसी ने रेलवे का जिक्र किया, जैसा कि मेरे साथी जमैका के हाई कमिश्नर ने कहा है, रेलवे और सड़कें ब्रिटेन के हित में बनाई गई, न कि लोकल लोगों के लिए। मैं इसमें ये बात जोड़ रहा हूँ कि कई दूसरे देशों ने भी रेलवे और सड़कें बनाई, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी का उपनिवेश बनने की जरूरत नहीं पड़ी थी। रेलवे और सड़कें तो सुदूर इलाकों से कच्चा माल बंदरगाहों तक ले जाने के लिए बनाई गई ताकि उन्हें ब्रिटेन भेजा जा सके। अब इससे भारत या जमैका या किसी दूसरे उपनिवेश के लोगों की भी जरूरतें पूरी होने लगी तो ये संयोग की बात है। वैसे भी जिस तरह की जरूरत थी उस पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के इंतजाम पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। हकीकत तो ये है कि इंडियन रेलवे भी ब्रिटिश निवेशकों को भारी भरकम इंसेंटिव देकर बनाई गई। भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से उन निवेशकों को रिटर्न की गारंटी दी गई। हाल ये था कि इंडियन रेलवे में एक मील ट्रैक बिछाने की लागत कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में इसी काम की लागत से दोगुनी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ अनाप शनाप रिटर्न देने के लिए बहुत पैसा था। जैसा कि इस विषय के पक्ष में दूसरे वक्ताओं ने कहा है, उपनिवेशों में नस्ल भेदी हिंसा, लूटपाट, नरसंहार और लोगों को देश से बाहर भेज देने की तमाम घटनाएं हुई हैं। और भारत के मामले में तो हमारे आखिरी मुगल बादशाह तक को दरबदर कर दिया गया। हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजों के मुआवजे के लिए आज के ब्रिटेन के लोग जिम्मेदार ना हों, लेकिन अभी यहीं इन वक्ताओं ने बड़े गर्व से ब्रिटिश मदद की बात की। ये बात सही है कि सोमालिया में भुखमरी के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप वहाँ मदद भेज रहे हैं। यही तो मुआवजे का सिद्धांत है कि जो गलतियाँ की गई उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। किसी ने दूसरी जगहों पर इस तरह का मुआवजा नहीं देने जाने की बात कही। माफ कीजिए, जर्मनी ने न केवल इसराइल को बल्कि पोलैंड को भी दिया। दूसरे उदाहरण भी हैं। इटली ने लीबिया को मुआवजा दिया, जापान ने कोरिया को दिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी न्यूजीलैंड में माओरी लोगों को मुआवजा दिया। तो ये कोई अनसुनी बात नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया गया। आप 200 वर्षों तक लोगों का शोषण करें, उन्हें गुलाम बनाएं, उनकी हत्या करें और फिर इस बात का जश्न मनाएं कि आखिर में वे लोग डेमोक्रेटिक हो गए। मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि ये दलील बेतुकी है। लोकतंत्र से हमें वंचित रखा गया, लिहाजा हमें इसे आपसे छीन कर लेना पड़ा, वो भी काफी हिचक के साथ। भारत के मामले में तो ऐसा करने में हमें 150 साल लग गए। यहाँ पहले वक्ता मिस्टर ली ने माना कि उपनिवेशवाद में ये सारी बुराइयां थीं, लेकिन ये भी कहा कि मुआवजा देने से कोई फायदा नहीं होगा, वाजिब लोगों को मदद नहीं मिलेगी, उसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा में किया जाएगा और इससे मुगावे जैसे लोगों का हौसला बढ़ेगा। सरल शब्दों में हकीकत ये है कि हम किसी को एम्पावर करने के लिए मुआवजे की बात नहीं कर रहे हैं। मुआवजा तो आपके लिए प्रायश्चित करने का जरिया है। मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि जिस तरह की खौफनाक चीज़ें लोगों ने झेली हैं उसकी भरपाई किसी भी रकम से नहीं हो सकती। ये सही है कि मुआवजे की सटीक रकम तय नहीं की जा सकती, लेकिन यह बात सिद्धांत की है, इसे मानने की है। यहाँ दोनों पक्षों की ओर से कुर्बानियाँ दिए जाने की बात की गई। ये तो वही बात हो गई कि कोई चोर आपके घर में घुस आए, चोरी करे और अपने अंगूठे में भी चोट लगा ले। अब आप कहें कि दोनों पक्षों ने तकलीफ सही। माफ़ कीजिए, ये बेतुकी दलील है। दरअसल हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक मोटी रकम चुकाने की ज़रूरत है। इस सदन के सामने विषय ये है कि मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं, ये नहीं है कि कितना मिलना चाहिए और किसे मिलना चाहिए। सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन कर्जदार है, क्या उसे दूसरों को मुआवजा देना चाहिए। जहाँ तक मेरी राय की बात है तो जो गलत हुआ उसे कबूल कीजिए और माफ़ी मांग लीजिए तो इसका कहीं ज़्यादा बड़ा असर होगा, बजाय इसके कि आप GDP का कुछ परसेंटेज मदद के रूप में दें। मेरी राय में ये मानना कहीं ज़्यादा अहम है कि मुआवजा मिलना चाहिए। निजी तौर पर कहूँ तो भारत में ब्रिटेन के पिछले 200 वर्षों के लिए अगले 200 वर्षों तक अगर हर साल 1 पाउंड का मुआवजा भी हो तो मुझे खुशी होगी।